तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। देखिए, काफी बड़ी खबर आ गई है कि रेलवे में 1 लाख बंपर भर्ती होने वाली है। स्टेशन मास्टर पे, एसएम पे, टीसी पे और जेई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी मतलब भर्ती है काफी दिनों से रुकी हुई थी, लेकिन कुछ रीजन के चलते, क्योंकि ट्रेन वगैरह काफी लेट हो रही, तो उन्हें और भी कर्मचारी चाहिए, इस वजह से ये भर्ती भी फिर से हरी झंडी दिखा गई है। पूरी क्या न्यूज है अभी आपको पूरी की पूरी न्यूज दिखाएंगे, पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे करते हो तो आप मुझे तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे लेके आ गया कई सारे एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे ग्रुप डे की आपको पल पल की नॉलेज मिलती रहती है, पल पल की न्यूज आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल आप सभी के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ये फॉर्म आएगा, ऑफिशियल पूरी तरीके से फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हरी झंडी मिल गई है, जैसे ही फॉर्म आएगा आपको तुरंत न्यूज दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है पूरी की पूरी न्यूज, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ये पेपर की कड़ी में आपको दिखा रहा हूँ, रेलवे में की सेफ्टी कैटेगरी में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। ये पेपर में आज ही का न्यूज आया हुआ है, नई दिल्ली के पेपर न्यूज आया हुआ है। देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब ये हो गया कि वैकेंसी पे काफी टाइम से रोक लगा हुआ था, काफी टाइम से रेलवे वैकेंसी पे भर्ती नहीं कर रही थी, लेकिन अब वैकेंसी भर्ती कर रही है। अब इसमें ये कहा गया है कि 3 महीनों में आपको सहायक स्टेशन, देखिए क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग हाई कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें दिखेंगी। 3 महीने में सहायक स्टेशन मास्टर पे और गार्डों की भी भर्ती हो जाएगी। ग्रुप सी के 50% यानी कि 50%, यानी कि आधी भर्ती जो होगी वो आप आरआरबी की तरफ से होगी, यानी आरआरबी का फॉर्म आप भरोगे तो वहाँ से आपके ग्रुप डी की जो आधी वैकेंसी है वो पूरी की पूरी ये करेगा, और जो आधी वैकेंसी वो भर्ती बोर्डों और भी कई सारी चीज़ों से भरी जाएंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसमें पूरी की पूरी देख सकते हैं। कई दुर्घटनाओं और भारी उलटफेर के बाद रेलवे को यह बात समझ में आ गई है कि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तकनीक के साथ साथ उपकरणों, सामानों और कर्मचारियों की जो कमी है, जो कर्मचारी कम है उनको भी दूर करना होगा, कर्मचारियों को और लाना होगा। और इन भर्तियों पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी, लेकिन अब ये रोक हट जाएगी, अब ये भर्ती हो गया। ये न्यूज जो आज ही का न्यूज है, आज ही के पेपर में आया हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की खासकर तैयारी करो, अगर आपने पेपर दिया है, आपका अगर एएलपी का पेपर गड़बड़ हो गया है, उसके बावजूद अगर आपका आपका ग्रुप डी का पेपर भी गड़बड़ हो गया, तो परेशान मत होइए। कुछ ही दिनों में ये वैकेंसी आने वाली है, फिर पेपर इसके शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी घर मत बैठिए और एकदम तैयारी कर दीजिए, जोरों शोरों से तैयारी कर दीजिए, बिल्कुल भी घर मत बैठिए। वैकेंसी जैसे ही आगे हम आपको तुरंत न्यूज़ दे देंगे। इसके लिए आपको चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ों आपके बारे में बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 6 अक्टूबर जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, जो महत्वपूर्ण था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसके अलावा आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कई सारे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट आप चीज़ें बता देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बता रहे हैं कि पहली बार जो है कोई यूट्यूब चैनल, मुझे ये लगता है कि वो अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, तो मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोग का। ये एमडी क्लासेस का पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ की क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर के व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की क्वेरी है। देखिए, कॉल करेंगे तो कॉल शायद ना उठे, क्योंकि काफ़ी बिजी रहेगा नंबर ये, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका रिप्लाई एक दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एसएमएस करना चाहते हो तो एसएमएस भी कर सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, एमडी क्लासेस के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अगर आपके पेपर रेलवे ग्रुप डी में आगे होने हैं तो आप ये नंबर सेव कर लीजिए व्हाट्सएप में, और वहाँ पे जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको उसका सलूशन बता सकूँ। व्हाट्सएप पे आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो भी मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ उससे रिलेटेड, जो भी मैं मैथ के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ उससे रिलेटेड, जितनी भी क्वेरीज हैं, अगर कोई भी क्वेरी आपके पास आती है तो इस नंबर पर तुरंत आप लोग संपर्क करिएगा, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, 6003752336, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। इसके अलावा बता दें कि जो मैं बताया था कि LPCVT 2 का आपका रिजल्ट कब आना है, LPCVT 1 का जो रिजल्ट कब आना है, और CVT 2 की एग्जाम कब होनी है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई है कि भैया देखिए, CVT 1 का जो आपका रिजल्ट आना है वो काफ़ी लेट हो सकता है। लेट इसलिए हो सकता है क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक तक, दशहरा तक रिजल्ट नहीं आना है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर दशहरा तक आ जाएगी, मैंने पुरानी वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें देखा मैंने आप लोग को, तो आप लोग का ये कहना था कि सर ये दशहरा तक आ जाएगी, लेकिन बच्चों दशहरा तक आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, उन्होंने पेपर को कैंसिल भी कराया है दशहरा में, आपको पता ही है दशहरा में कई सारी जगहों के पेपर कैंसिल हो गए हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है कि दशहरा में पेपर जो है वो आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि अक्टूबर के लास्ट वीक में
या फिर आप सबके आपका नवंबर के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो चीज़ आप लोग जरूर देखिएगा। इसके अलावा बता दूं कि मैंने देखिए केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के टॉप 25 25 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं जो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा तुरंत देख लीजिए। और वो टॉप 25 क्वेश्चंस ही नहीं है, वो खाली 25 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो है उसके नीचे जो आप लिंक में जाओगे या फिर इसी वीडियो के आप नीचे लिंक में जाओगे तो आपको फिजिक्स का टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 पार्ट्स, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से केमिस्ट्री के पांचों पार्ट और आपके बायोलॉजी के पांचों पार्ट दिख जाएंगे नीचे। आपको अनअकैडमी का वो लिंक है, ठीक है, ये मत सोचा करिए कि मैं अनअकैडमी प्रमोट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं अनअकैडमी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चैनल पे हर एक वीडियो आपको नहीं बता सकते, रीजन ये है क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे का बीच में गैप रखना पड़ता है अगर आपके पास नोटिफिकेशन जानी है। अगर नोटिफिकेशन, इसीलिए वीडियो दिन में जो है 3 से 4 वीडियो अपलोड हो पाती है, उससे ज़्यादा अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो आपको खबर नहीं मिलेगी, आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। इसीलिए अनअकैडमी का यूज किया जाता है, इसीलिए अनअकैडमी को हम लोग चाहते हैं प्रमोट करते ताकि आप वहाँ पर जो चीज़ें यहाँ ना देख पाओ आप वो चीज़ें वहाँ देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप जाओगे तो वहाँ पे फिजिक्स का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से केमिस्ट्री का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, बायोलॉजी की पहला, तीसरा, पांचवा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुल मिला के 60 70 क्वेश्चन है एक एक पार्ट में, और वो 60 70 क्वेश्चन देख लीजिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सीबीटी 2 का जो बात हो रही थी, सीबीटी 2 के कई सारे बच्चों ने देखिए, मैं वीडियो चला रहा हूँ अपने सामने लाइव में, मैंने जो वीडियो सुबह डाली थी उसकी मैं वीडियो चला रहा हूँ और आप लोगों में कमेंट पढ़ रहा हूँ। तो सीबीटी 2 के लिए जो बच्चों ने कहा हुआ था कि सर सीबीटी 2 का जो एग्जाम होगा वो देखिए, सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो आपका कब होगा, वो जो मैक्सिमम चांसेस है वो आपके नौ आपके जनवरी में होने वाले, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस क्या है जनवरी में, रीजन ये है दोस्तों, मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलता, आपको पता काफ़ी सारे बच्चों का ट्रस्ट है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको ऐसे नहीं होगा। देखिए दिसंबर तक तो आपके रेलवे ग्रुप डी का पार्ट पेपर चलेगा, फिर उसके बाद वो लोग तुरंत क्या करेंगे, आरपी वसाई को रुक कर लेंगे और एलपी का पेपर कंप्लीट कराएंगे। तो दो दो एग्जाम को कंप्लीट करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बहरहाल ये है कि सीबीटी 2 में बच्चे कम होंगे, सिर्फ 9 लाख बच्चे आएंगे, कैसे आएंगे आपको नीचे लिंक मिला है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हो। और देखिए गाली वगैरह भी बच्चे दे रहे हैं, ऐसे पुरुषोत्तम नानक नामा करके कोई उन्होंने मुझे गाली दिया है, तो कोई बात नहीं भाई, कि आप लोग गाली दीजिए, नो प्रॉब्लम, गाली देंगे तो ही तो हम लोग सुधार करेंगे। मैंने आपको सही न्यूज़ दी थी फिर आप गाली दे रहे हो, और जो चैनल आपको गलत न्यूज़ देते हैं उस पर आप आग बन करके भरोसा कर लेते हो कि हाँ भैया तुम सेंटर पर गए थे, तुम एग्जाम को बताया क्या हो रहा, उस पर आग बन करके आप लोग भरोसा कर लेते हो। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहते हो वैसा करो, मेरा काम क्या है, मेरा काम खाली ये है कि आपको न्यूज़ देना। मैं यहाँ तक कि आपने पर्सनल नंबर भी शेयर कर दिया, भाई आप लोग इस नंबर पे जितना भी कोई क्वेरी हो, कोई भी नंबर क्वेरी, कोई क्वेरी हो तो तुरंत आप नीचे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप नंबर कर दीजिएगा, अगर आप SMS करते हो तो SMS भी मैं आपका देखूंगा, मैसेज करोगे तो मैसेज भी देखूंगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बस कॉल ना करें, कॉल शायद ना उठे, लेकिन आप SMS भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, सभी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो थी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट अगर जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा तो जरूर खरीदें, नीचे आपको उसका लिंक मिला हुआ है। 30 मॉक टेस्ट सिर्फ 150 रुपये में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फिर से नंबर आपको दिखा देते हैं कि 630 752 36 26, ये नंबर है MD क्लासेस का, MD क्लासेस का नंबर आप लोग ये सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम पे भी नंबर आपको मिल जाएगा, MD क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए और हर जगह ये बता दीजिए कि MD क्लासेस वाले सर का नंबर यही है और उन्हें कोई भी क्वेरी है तो क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सब चीज़ें आप देख लीजिए कि अभी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, ये ऑफिशियल न्यूज आई थी कि अभी पहले नॉर्मलाइजेशन हो रही है उसके बाद ही वो रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी सारी चीज़ें चल रही हैं तो प्रोसेस में बहुत सारा वर्क पड़ा हुआ है, सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये वैकेंसी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड